इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। जिले में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दिन भर से कांग्रेस के पार्षदों के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर देर शाम विराम लग गया। ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस के 7 पार्षदों ने भोपाल जाकर शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात करने के बाद भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले पार्षदों में चंदू ठाकरे, भूरा भावरकर, जगदीश गोदरे, लीना त्रिगाम, दीपा माहौरे, बबलू विश्वकर्मा सहित अन्य साथी शामिल हैं। अब नगर निगम में कुल 48 पार्षदों में से 7 पार्षदों ने पाला बदल लिया है। हाईकोर्ट द्वारा तेज आवाज में स्पीकर, डीजे आदि पर प्रतिबंध के बाद भी शिकायतें लगातार मिल रही हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार देर रात अमरवाड़ा के स्वागत लॉन के पास तेज आवाज में डीजे बजने की शिकायत पर पुलिस ने महिंद्रा पिकअप वाहन से 6 नग डीजे बॉक्स व डीजे मशीन तेज आवाज में डीजे बजाने पर जब्त कर लिया गया। डीजे संचालक के विरुद्ध मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम की धारा 15 तथा 188 IPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। भाजपा के पूर्व निगम अध्यक्ष आज पार्षदों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से शहर की स्वच्छता और पानी की समस्या जैसे अन्य विषयों को कलेक्टर के समक्ष रखा और शहर सरकार और पदाधिकारियों पर ध्यान न देने का आरोप लगाते हुए पूर्व में भाजपा के कार्यकाल को बेहतर बताया। वहीं जल्द से जल्द निराकरण का आश्वासन कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा दिया गया। सभी पार्षदों के साथ हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय जी का स्वागत करने आए थे, सौजन्य भेंट के लिए आए थे। इस सौजन्य भेंट में हम लोगों ने उन्हें नगर निगम की जो समस्याएं हैं, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, पानी की कई वार्डों में समस्या रहती है, स्वच्छता की स्थिति अभी अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा नगर पालिका और नगर निगम चलाई, तो शहर की जनता भी चाह रही कि वैसी व्यवस्था फिर से बने। उसी हेतु हमने आज कलेक्टर साहब से चर्चा की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्दी पूरी व्यवस्था आप लिखित में दीजिए, जो जो आपकी समस्याएं उसका तुरंत हल करवाएंगे। सोमवार शाम को अमरवाड़ा पुलिस अवैध शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई करते हुए बाईपास स्थित मयंक ढाबा, राजपूत ढाबा सहित सभी ढाबों पर जांच अभियान चलाया, जिसमें ग्राम सालीवाड़ा में हरिओम वर्मा पिता धनराज वर्मा निवासी सालीवाड़ा शारदा के कब्जे से 15 पाव देशी व मसाला शराब तथा यशवंत पिता दुबेलाल ठाकुर निवासी जगत देव मोहल्ला अमरवाड़ा के कब्जे से 8 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहां संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585888 8827420004। कम वोल्टेज होने के कारण खापा भाट के रहवासियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
रहवासियों ने बताया कि लगातार कम वोल्टेज के कारण घरों के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। इसी के चलते वार्ड के निवासियों ने आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करके इलेक्ट्रिक पोल पर वोल्टेज नहीं तो वोट नहीं की तख्ती लगा दी है। कम से कम 50 से 60 घर है जिनमें ये समस्या हो ही रही है। आए दिन बल्ब खराब हो जा रहे हैं। वोल्टेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, ट्रांसफार्मर लगेगा उसको लगा दे, कैपेसिटी बढ़ा ले, क्योंकि जिस हिसाब से घर बन रहे हैं उस हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप हो गई होगा, तो उसको ठीक कर ले, नहीं तो फिर ये होगा कि चुनाव में वोट ही नहीं होंगे। वोल्टेज ही नहीं आता है, इसके कारण हमारी मोटरें भी जल रही हैं और यानी सब लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं दिया गया तो हम आगामी लोकसभा चुनाव में पूरे लोग एकत्रित होकर वोट नहीं डालेंगे। जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि हाइट्स यूडीएस कंपनी के कुल स्टाफ में से 55 कर्मचारी और 13 सिक्योरिटी गार्ड्स जिला चिकित्सालय में सिविल सर्जन के अधीन कार्य संपादित करेंगे। सिविल सर्जन द्वारा इनकी उपस्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी और प्रमाणित उपस्थिति पत्र के उपरांत ही इनका वेतन आहरण किया जाएगा। इस संबंध में छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के अधीक्षक समन्वय स्थापित करने का कार्य करेंगे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 182 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यता देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वच्छता प्रेरणा सप्ताह के अंतर्गत भोपाल के मोतीलाल नेहरू ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित कैबिनेट में अन्य मंत्री तथा राज्य स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में नगरपालिका निगम छिंदवाड़ा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण के फीडबैक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों में 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर महापौर विक्रम आहके ने सम्मान प्राप्त किया। सिटी ब्यूटिफिकेशन प्रतियोगिता पुरस्कार में नगरपालिका निगम छिंदवाड़ा को सबसे सुंदर वाटर फ्रंट में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इन सभी सम्मान एवं पुरस्कारों को नगर निगम के पूर्व आयुक्त राहुल सिंह, कार्यपालन यंत्री एवं स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी ईश्वर सिंह चंदेली, उपयंत्री एवं सहायक नोडल अधिकारी अभिनव कुमार तिवारी, PIU पुष्पेंद्र शर्मा, आयुष्मान बेलसरे सहित अन्य उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत भानादेही में अवैध शराब बिक्री के विरोध में ग्रामीणों ने सरपंच सहित बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में क्या है कि उल्लंघन होता है, झगड़ा झांसा होता है दारू पीने के कारण, उसके कारण ये बंद करा जा रहा है। ग्राम पंचायत भानादेही प्रवीण यादव धर्मेंद्र डेहरिया, स्कूल से बस 50 मीटर दूरी पे है, स्कूल में बॉटल भी ले जाते हैं, पी के और बॉटल स्कूल में फोड़ते हैं। आज कंट्रोल रूम में SP मनीष खत्री द्वारा जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें आम जन ने अपनी समस्याओं को SP से अवगत कराया। SP मनीष खत्री ने आवेदकों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया।
परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा आज पचमढ़ी भूरा भगत मार्ग पर वाहनों की सघन जांच की गई, जिसमें परिवहन जांच दल द्वारा सवारी बसों, ऑटो रिक्शा और सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे बड़े वाहनों की फिटनेस संबंधी बारीकी से जांच की गई। चालानी कार्रवाई करते हुए 29 वाहनों से 32,500 रुपये का जुर्माना लिया गया। प्रधान आरक्षक इंडक्शन कोर्स कर दिनांक 30 जनवरी से 5 मार्च तक पुलिस प्रशिक्षण आज कंट्रोल रूम में संपन्न हुआ, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री द्वारा प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आशीष कटारे, राजेश। देखिए, पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार प्रधान आरक्षक का जो इंडक्शन कोर्स 2024 चलाया गया है, इस कोर्स अंतर्गत जो इनको कानूनी ज्ञान प्रक्रिया, इसके अतिरिक्त मानव अधिकार और जो हमारे फॉरेंसिक और अन्य जो पुलिस के कार्य हैं उनके संबंध में विस्तृत ज्ञान और प्रशिक्षण दिया गया है। यह एक नियमित प्रक्रिया है जो जिला स्तर पे इस तरह के जो इंडक्शन कोर्स कराए जाते हैं और ये इस हिसाब से इनकी कार्य में गुणवत्ता आती है और जो पुलिस कार्रवाई नियम अनुसार हो और इसमें सही समय पे कार्रवाई करें, इनकी कुशलता बढ़ती है। वरिष्ठ नागरिक सेवा केंद्र में आज नई कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष और कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आवश्यक विषयों पर चर्चा की गई। वहीं नए सदस्यों को पुष्प गुच्छ भेंट कर बधाई दी गई। मैं वरिष्ठ नागरिक महामंच के नियमों का पालन करूंगा। आज के समय में इतनी महत्ता कोई संगठन न करता है और न कर रहा है। जब शुरुआत में मैं आया था आप लोगों के संगठन की, उस समय शुरुआत हो गई, आप आए थे मेरे पास, तब मेरे को ये लगा था कि पता नहीं ये आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये देख के मेरे को बहुत खुशी है कि आज आप लोग एक कदम और आगे बढ़ गए कि आपकी कार्यकारिणी और जो अनुभवी हर प्रकार के, हर वर्ग के, हर विभाग के पूरे अनुभवी आप लोगों के साथ हैं। मैं आप लोगों के भविष्य के लिए जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ेगी, जैसी आवश्यकता पड़ेगी, आप मुझे याद करेंगे, मैं आऊँगा। वरिष्ठ नागरिक महामंच के मंच से अध्यक्ष की ओर से कार्यकारिणी का गठन हुआ। कार्यकारिणी में संस्थापक श्री जयशंकर जी उपस्थित थे और नायडू जी उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और सुश्री कमला डेहरिया उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अब हम लोग आगामी मंगलवार से अपने और भी कार्यक्रमों को संचालित करेंगे।